जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोमपल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मणिकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमिनालिस इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम फाइब्रॉइड्स और आपके चांस ऑफ सक्सेस विद फाइब्रॉइड्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? फाइब्रॉइड्स बेसिकली मस्कुलर मास है, टिश्यू है, जो आपके गर्भ में बढ़ रहे होते हैं। बेस्ड ऑन कहाँ है वो, मतलब ये जान लेना ज़रूरी है कि वो क्या यूट्रस के ऊपर है या अंदर है, ट्यूब्स में है, इसके मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस बदलेंगे आपके। अगर ये यूट्रस के अंदर हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके यूट्रस का शेप बिगड़ जाए या आपके जो एम्ब्रियोस फॉर्म होते हैं वो गर्भ में आने के बाद चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो कहाँ है ये, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट बदलता है। मैंने कहा अगर ट्यूब में होते हैं तो ट्यूब्स ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन और फिर बेबी का फॉर्मेशन वगैरह मुश्किल होता है। तो ट्यूब्स का भी ओपन रहना ज़रूरी है, फाइब्रॉइड्स ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो गर्भ के बाहर बाहरी दीवार पे पल रहे होते हैं तो वो अपने प्रेगनेंसी में हानिकारक नहीं होते, प्रेगनेंसी उसके कारण रुकने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके उपाय क्या हैं अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं और आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं? आपके डॉक्टर कहाँ लोकेटेड है फाइब्रॉइड और उसका साइज़ क्या है, उसके मुताबिक आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि एक छोटा सा स्कोप, एक छोटा सा टेलीस्कोप आपके यूट्रस में जाएगा और वहाँ पे जहाँ पे भी वो दिखता है फाइब्रॉइड उसे निकाल देंगे। तो इसकी वजह से ये जो रिकवरी टाइम है हिस्ट्रोस्कोपी के बाद बहुत कम होता है और आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत अच्छे होते हैं। ये एक स्कोप होता है जो वजाइना के थ्रू प्रास किया जाता है, इसीलिए कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, चांस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी देखा गया है कि लैप्रोस्कोपी द्वारा भी इसे निकाला जा सकता है। लैप्रोस्कोपी एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पेट के द्वारा एक छोटे से होल से यूट्रस में जाके ये फाइब्रॉइड निकाला जा सकता है। बट बहुत स्टडीज अभी ये भी कहते हैं कि अगर लैप्रोस्कोपी द्वारा जाएं अगर कैंसर सेल्स है तो उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए एक सिंगल इंसिशन दे के फाइब्रॉइड को निकाला जाए या हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा निकाला जाए। सो ये दो उपाय होते हैं जिससे फाइब्रॉइड का जो लोकेशन है उसके मुताबिक आपको ऑपरेट किया जाता है। ये दोनों प्रोसीजर्स के रिकवरी टाइम बहुत कम है, आपके चांस ऑफ सक्सेस इसके बाद बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड की तकलीफ है और आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।